बिल्कुल मैं बात करूं। चल, अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर एक ट्राइंगल है और हमको ये अगर कोई बोले कि प्रूफ करना है कि ट्राइंगल्स के 3 एंगल का सम कितना होता है, 180, प्रूफ दैट सम ऑफ एंगल्स, अपन पढ़ क्या रहे हैं, लाइंस एंड एंगल्स, क्या पढ़ रहे हैं, लाइंस एंड एंगल्स, तो सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, इज व्हाट, 180 डिग्री। अगर सर ये प्रूफ करना है तो इसके लिए अपने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन लगेगा। सर हम कंस्ट्रक्शन में करना चाहते हैं, अगर ये ट्राइंगल आपके पास क्या है, ए बी और सी, तो मैं कंस्ट्रक्शन में करना चाहता हूँ, ड्रॉ लाइन एक्स वाई, ड्रॉ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू कितना, बीसी, पैरेलल टू, तो आपने एक्स वाई बना लिया पैरेलल टू कितना, बीसी, एक्स वाई पैरेलल टू बीसी। एक्स वाई पैरेलल टू कितना, बीसी, ठीक है। अब जैसे ही पैरेलल बन गया तो मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ से जो ये वाला एंगल है, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल वन इज इक्वल टू कितना, एंगल सी, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि ये दोनों एंगल कौन से हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दोनों एंगल कौन से हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। तो आप भी लिखते जाएं, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल टू इज इक्वल टू कितना, एंगल बी, वन वाला किसके इक्वल है, सी के, और टू वाला किसके इक्वल है, बी के, कौन से एंगल है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब मैं बोलना चाहता हूँ अगर अलाउ करो तो क्या बोल सकता हूँ, क्या एंगल वन प्लस ए प्लस टू, एंगल वन प्लस एंगल ए प्लस एंगल टू इज इक्वल टू कितना, 180। सर क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है, पूरा कितना बन रहा है, 180, कितना बन रहा है पूरा, तो 1 + a + 2 इज इक्वल टू कितना, 180। सर लेकिन वन का मतलब क्या है, वन का मतलब तो क्या है, सी, वन का मतलब क्या है, सी, यहाँ पे एंगल ए हो गया, और एंगल टू का मतलब क्या है, बी इज इक्वल टू कितना, 180। चेक करो हो रहा है, बायसेक्टर है इसका, तो कहीं ना कहीं आपको ये बात जाननी पड़ेगी कि अगर ये यहाँ पे एक्स है, ये भी यहाँ पे क्या होगा, एक्स, और सर जितना मैं समझ पा रहा हूँ अगर यहाँ से पूरा निपटा है अगर अपन इसको पूरा, तो ये पूरा कितना हो रहा है, 180। कैन वी से एक्स प्लस
64 is equal to कितना 180, x plus 64 is equal to कितना, अगर अपन बात करें अच्छे से तो हमारे पास x plus 64 is equal to कितना हो गया आपके पास 180, क्योंकि पूरा स्ट्रेट एंगल बन रहा है ना, पूरा डी बन रहा है, x plus 64 is equal to कितना 180। सर अगर अपन बात करें तो 2x plus 64 is equal to कितना 180, 2x is equal to कितना हो जाएगा 180 minus 64, तो 2x is equal to हो जाएगा 116, x is equal to हो जाएगा 50। अब सर अगर आपके पास x मिल गया आपको 58, तो वो आपसे पूछ रहे हैं find the value of reflex, क्या पूछ रहे हैं reflex z by q, reflex q y by p, पहले देख लें q y और p, ये वाला एंगल है q y p, हाँ कि ना, तो एंगल q y p कितना है आपके पास 58, कितना है आपके पास 58, सही है यहाँ तक। अब आपसे उन्होंने पूछ के लिया रिफ्लेक्स क्यू आई पी, तो रिफ्लेक्स क्यू आई पी का मतलब ही क्या हो गया, 360 में से क्या माइनस कर दो आप 58, 360 में से माइनस करो 58, 302 डिग्री। सर जब भी किसी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो, क्या निकालना, तो उसको 360 में से क्या करना पड़ता है माइनस, जब भी किसी एंगल का क्या निकालना हो रिफ्लेक्स, तो उसको 360 से क्या करना पड़ता है माइनस, पहले देख लो समझ लो फिर आगे बढ़ो। आपको बोल के क्या रखा हुआ है, अगर अपन बात करें और अच्छे से बात करें कि आपको ये बोल के रखा है कि पी ओ क्यू इज अ लाइन, पी ओ क्यू क्या आपके पास लाइन, फिर आपको बोला है रे ओ आर, रे कितना, पी ओ क्यू इज अ लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर, मतलब अगर अपन बात करें ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, और यहाँ पे आपको ये लाइन गिवन है जो कि कहाँ जा रही है आपके पास एस, ठीक है यहाँ तक। अब जो इन्होंने टू प्रूफ करने को बोला है, इन्होंने प्रूफ करने के लिए बोला है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ इन्होंने प्रूफ करने के लिए बोला है एंगल आर ओ एस, मतलब कौन सा वाला, यार ठीक है, इस आर ओ एस को अपन एक्स ही मान लेते हैं, आर ओ एस का मतलब क्या मान लेते हैं, इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, इज इक्वल टू हाफ एंगल कितना क्यू ओ एस माइनस व्हाट पी ओ एस। अब यार मैं क्यू ओ एस की तरफ घूर घूर के जाता हूँ, शायद क्यू ओ एस पूरा एंगल ऐसा है, ये रहा क्यू क्यू ओ एस, मतलब अगर मुझसे पूछे कि क्यू ओ एस क्या है तो मैं उसको बोल सकता हूँ वो है 90 डिग्री प्लस एक्स, सही है, क्योंकि ये आपका एक्स है और ये कितना है आपके पास 90 प्लस एक्स, एक्स का मतलब पहले से हम बोल चुके हैं कि एक्स का मतलब क्या है आर ओ एस। कोई मुझसे पूछे ना पी ओ एस क्या है, तो उन्होंने बोलते यार पी ओ एस वैसे तो इतना सा है, पी ओ एस ये तो बस पी ओ एस, सर इसको आप बोल सकते हो यहाँ के 90, ये पूरा 90 में से अगर x हटा दूं तो क्या बचेगा पी ओ एस, पूरे 90 में से ये पूरा 90 है, मैं से अगर ये से हटा दूं तो क्या बच जाएगा पी ओ एस। ये तो बोलना चाहता हूँ कि सर आप 90 में से क्या हटा दो x, 90 में से क्या हटा दो x, तो सर अंगल आप बताना क्या चाहते हो कि एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू क्या है 90 माइनस x। सर एक बार थोड़ा सा और क्लियर कर देना, ठीक है देख बेटा ये पूरा एंगल कौन सा था पी ओ एस, ये पूरा कितना था, तो ना मतलब पूरी 90 में से, पूरे 90 में से अगर ये हटा दूं ये जो बचेगा वो क्या बच जाएगा पी ओ एस, ठीक है, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में बोला है माइनस करने के लिए, तो अपन यहाँ पे भी क्या करेंगे माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। तो सर ऐसे केस में अगर हम आपसे बात करें तो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, एंगल क्यू ओ एस माइनस व्हाट
POS is equal to 90 से 90 क्या हो गया कैंसर x plus x कितना आ जाएगा सर ऐसे केस में आप क्या करना चाहते हैं मैं कुछ नहीं टू को उधर भेज दिया ये हो जाएगा हाफ इस वाले टू को एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू x और x का मतलब ही क्या है ROS x का मतलब ही क्या है ROS सर ये क्वेश्चन चला कैसा ये टू यहां से उधर गया तो कितना आ जाएगा वन बाय टू जो वाला टू है अगर यहां से उस तरफ जाएगा तो कितना आ जाएगा वन बाय टू सर ये क्वेश्चन पूरा चला कैसे अगर इसका फास्ट रिकैप करा जाए तो रिकैप कैसे होगा अगर अपन देखें तो सर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था आपके सामने कि आपको बोल के रखा था कि आपके पास पी ओ क्यू क्या है एक लाइन पी ओ क्यू क्या आपके पास एक लाइन है आपको बोल के रखा था ये ओ क्यू ओ आर इस परपेंडिकुलर टू क्या था यहाँ पे 90 था और सर ये आपका एंगल था क्या अगर अपन बात करें तो ये आपका एस वाला एंगल था तो जब मैंने एंगल क्यू ओ एस बोला क्या बोला क्यू ओ एस तो ये हो गया 90 प्लस एक्स कितना हो गया 90 प्लस एक्स जब ये पीओ से पीओएस है ये अगर चाहिए आपको पी ओ एस अगर ये चाहिए तो आपने पूरे 90 में से क्या हटा दिया एक्स सर एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स और सर अगर आप इन दोनों को माइनस कर दें मतलब एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस सर 90 से 90 क्या हो गया कैंसिल ये आ गया 2x ये 2 चला जाएगा उधर नीचे तो हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एक्स और एक्स का मतलब ही क्या था आर ओ एस जो आपको प्रूफ करना था चले अगर मैं बात करूं अच्छे से तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है अगले वाले में आपको देखे रखा है एक ऐसा फिगर इसके बारे में अगर अपन देखें ये रहा x शायद ये रहा y शायद ये रहा आपके पास w और आपके पास ये क्या रहा z सर ठीक है अगर अपन बात करें दिस इज a दिस इज b और आपको देखे रखा है क्वेश्चन में कि अगर अपन लेके चले तो यहाँ पे ये आपके पास क्या है सी और यहाँ पे क्या है डी सर जो टू प्रूफ का खेल है तो टू प्रूफ में तो इतना ही करना है जितना मैं समझ पा रहा हूँ आपको टू प्रूफ में उन्होंने बोला है करके दो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड उन्होंने बोला है तो एक स्टेप में हो जाएगा क्या मैं स्टेप वन में बोल सकता हूँ कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 180 क्योंकि ये क्या बन रहा है पूरा डी बन रहा है क्या डी उसको अपन बोलते हैं लीनियर पेयर एक्स प्लस वाई तुम्हारे पास क्या हो गया 180 क्योंकि क्या बन रहा है लीनियर पेयर स्टेप टू में मैं बोलूंगा डब्ल्यू प्लस जेड डब्ल्यू प्लस इज इक्वल टू क्या 180 अगेन क्यों क्या बन रहा है लीनियर पेयर डब्ल्यू प्लस जेड भी क्या बन रहा है 180 क्या बन रहा है लीनियर पेयर कैन यू से 180 इज इक्वल टू कितना 180 इट मींस एक्स प्लस वाई is equal to कितना w plus z hence proved कुछ नहीं करना था एक इस तरफ का लीनियर पेयर बनाना था एक इस तरफ का लीनियर पेयर बनाना था दोनों को बोलना था क्या तू भी 180 तू भी 180 फिर अपन ने बोला 180 is equal to कितना 180 it means x plus y is equal to कितना w plus z सही है क्या यहाँ तक हाँ सर मतलब क्वेश्चन तो अच्छा था मैंने बोला हाँ यार क्वेश्चन तो खैर अच्छा था करने का वक्त भी दूंगा एक अगला क्वेश्चन है आपके सामने कुछ ऐसा कि आपको बोल के रखा है कि इफ एंगल PQR इज इक्वल टू PRQ मतलब उन्होंने खुद ने इस वाले क्वेश्चन में आपको ये रहा PQR यहां से आगे निकाला है T यहां से आगे निकाला है S वो खुद ही बोल रहे हैं कि एंगल PQR मतलब ये वाला इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू हमने ठीक है दोनों को हम क्या मान लेते हैं एक्स
बोल रहे हैं टू प्रूव करो कि याले एंगल कौन कौन से पी आर टी और पी क्यू एस आपस में क्या है इक्वल. हमने बोला क्या आप ऐसा चाहते हो, तो उन्होंने बोला हाँ हम तो ऐसा चाहते हैं कि टू प्रूव करो कि एंगल टू प्रूव एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी. पी क्यू एस इज इक्वल टू कितना पी आर टी. सही है क्या था? अब अगर सर अपन बात करें और सिस्टमेटिक बात करें तो मेरे पास ऐसा बोल सकता हूँ, सबसे पहले एक्स प्लस पी क्यू एस, एक्स प्लस पी क्यू एस कितना हो 180 क्योंकि क्या हो गया लीनियर पेयर. फिर बोलना चाहता हूँ एक्स प्लस पी आर, पी आर इज इक्वल टू कितना 180. सर x प्लस पी आर टी ये भी क्या हो गया लीनियर पेयर, तो कितना हो जाएगा 180. सही है क्या? तो सर x प्लस पी क्यू एस भी 180, x प्लस पी आर टी भी कितना 180. तो सर ऐसे में अगर आप अलाउ करो तो मैं लिख सकता हूँ कि 180 इज इक्वल टू कितना 180, मतलब कि x प्लस पी क्यू एस इज इक्वल टू x प्लस पी आर टी. जब ये अंदर अंदर वाले एंगल इक्वल हों तो बाहर बाहर वाले भी क्या होंगे इक्वल ही होंगे ना, इक्वल मिला के बना रहे 180. तो सर अगर आपका एग्जाम्पल के रूप में बताओ कि अगर ये 50 है और ये भी 50 है तो बाहर वाला कितना होगा 130, यहाँ पे भी कितना होगा 130. क्या इजी था? हाँ सर ये भी इजी था. सर अगर आप एक क्वेश्चन और कराना चाहो तो कैसा कराओगे? मैंने बोला देखो यार अगर मुझे एक क्वेश्चन और कराना हो तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है आपके सामने कि आपको एक लाइन देके रखी है एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई और उसके ऊपर कुछ बातें देके रखी है, अगर मैं बात करूं और यहां से देके रखी है एम ओ एन, एम O N और अगर यहाँ पे एंगल तुमको देके रखा है 90, फिर आपको यहाँ पे दिया हुआ है A, यहाँ पे दिया हुआ है B और यहाँ पे दिया हुआ है कितना C. आपको A is to B given है शायद कितना 2:3, मतलब आपके पास A is equal to मान लेते हैं 2x और B is equal to कितना मान लेते हैं 3x. भाई A is to B खुद ही बोल रहे हैं 2:3 है, हम ए को क्या मान लेते हैं 2x, बी को क्या मान लेते हैं 3x. इसका मतलब सर ये एंगल हो गया 2x, ये कितना हो गया 3x. कैन वी से 2x प्लस 3x प्लस 90 इज इक्वल टू कितना 180. क्योंकि सर ये तो स्ट्रेट एंगल बन गया पूरा पूरा 180 हो रहा है ना. शायद 5x इज इक्वल टू कितना 180 माइनस 90 इज x, x इज इक्वल टू कितना 80. तो सर अगर आपके पास x 18 आ गया तो बताओ a का मतलब क्या था 2x, मतलब 2 into 18 is equal to कितना 36. b का मतलब क्या गया 3x, मतलब 3 into 18 is equal to कितना 54. तो सर ये तो आपके पास हो गया 36, ये कितना हो गया 54. और अगर मुझसे आपको आगे पूछे कि 54 plus c is equal to कितना आ रहा है 180, तो c is equal to कितना हो जाएगा 180 minus 54. तो C is equal to 116. C is equal to कितना? एक बार ट्राई करो समझो फिर आगे बात करते.